हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 13 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और आज भी हम मेडिवल हिस्ट्री को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? फर्स्ट अफगान वॉर, फर्स्ट बर्मीज वॉर, फर्स्ट सिख वॉर, थर्ड मराठा वॉर। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? पहला अफगान युद्ध, पहला बर्मा युद्ध, पहला सिख युद्ध या तीसरा मराठा युद्ध। तो फिर देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपकी जो लड़ाई हुई थी इनमें से, वो थी आपकी थर्ड मराठा वॉर, ठीक है। तो पहला ये हो गया। फिर आपकी उसके बाद हुई थी फर्स्ट बर्मीज वॉर, तो ये आपका हो गया सेकंड। फिर आपका हुआ था फर्स्ट अफगान वॉर, यानी कि फर्स्ट, एंड फिर आपका आ गया थर्ड जो कि है फर्स्ट सिख वॉर। तो फोर सेकंड फर्स्ट थर्ड किस में है? फोर सेकंड, अच्छा ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर दे रखा है। ठीक है, ये जो सबसे बाद में हुआ इसको पहले दे रखा है, जो सबसे पहले हुआ वो बाद में दे रखा है इसके अंदर। इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर है, आप देखेंगे फोर सेकंड फर्स्ट थर्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अपने देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था? 1845-1846 के अंदर। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर कब हुआ था? 1839 से 1842 के बीच में। फर्स्ट ये एंग्लो बर्मीज वॉर कब हुआ था? ये आपको हुआ था 1824 से लेके 1826 तक। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1817-1818 के बीच में। तो आप देख रहे हैं ये जो सबसे लास्ट में उसको सबसे ऊपर रखा, और जो सबसे पहले हो उसको सबसे नीचे रखा हुआ इसके अंदर। तो इस तरीके से चला ये ऑर्डर, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वॉज नॉट बिल्ट बाय अकबर? निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के द्वारा नहीं करवाया गया था? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर फोर्ट। तो ग्वालियर फोर्ट ये मध्य प्रदेश के अंदर है ग्वालियर, और 8th सेंचुरी के अंदर ये बना था। और इसको बनवाया किसने था? ये बनवाया था आपके मान सिंह तोमर ने। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ग्वालियर फोर्ट बनवाया किसने था। तो वो बनवाया था आपके मान सिंह तोमर ने, ठीक है, 8th सेंचुरी के अंदर। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली Who did not allow the ulemas to interfere in political and administrative affairs was? दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने उलेमाओं को राजनीतिक तथा प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी थी? तो वो आपका था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ये एक पॉलिसी बना रखी थी कि भाई रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों को आप अलग अलग रखिए। इसलिए ये सक्सेसफुल भी काफ़ी रहा एडमिनिस्ट्रेटर अलाउद्दीन खिलजी। तो ये उलेमा जो थे ये इस्लामिक लॉज के इंटरप्रेटर थे, और इनके ये काफ़ी इन्फ्लुएंस करते थे ये पॉलिसीज़ को सुल्तान की। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी, ये दो ऐसे आए जिन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि इनकी इंटरफेरेंस चले कि मैटर ऑफ स्टेट्स के अंदर। विच मुगल एम्परर ट्रांसफर्ड द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? किस मुगल सम्राट ने मुगल राजधानी आगरा से स्थानांतरित करके दिल्ली कर ली थी? तो वो आपकी की गई थी शाहजहां के द्वारा। तो ये जो कैपिटल जो ये शिफ्ट की थी, कब की थी? 1638 के अंदर। और अपने शाहजहां का टेन्योर कब से कब था? 1628 से लेके 1658 तक, ठीक है। तो याद रहेगा ये शाहजहांबाद, ये आपकी ओल्ड दिल्ली है उसको कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और कौन सा ईयर था? 1638, जिसमें ये शिफ्ट किया गया था। तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कब किया, 1638 के अंदर, ओके, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मराठा रूलर हेल्प द सैयद ब्रदर्स इन डी थ्रोनिंग फारूक शियार इन 1719? किस मराठा शासक ने 1719 में फारूक शियार को गद्दी से हटाने में सैयद बंधुओं की सहायता की थी? तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ। तो ये बालाजी विश्वनाथ थे, ये जो इनको पेशवा बालाजी विश्वनाथ भी कहते हैं, बालाजी विश्वनाथ भट्ट इनका नाम था ओरिजिनल। तो ये पांचवें पेशवा थे ये, और ये फर्स्ट थे सीरीज में जो हेरिडिटरी पेशवास जो चले उनकी लाइनेज में, ये पहले थे। और इनको कहा जाता है द सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा स्टेट के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि द सेकंड फाउंडर ऑफ द मराठा स्टेट कौन थे, तो आपका आंसर रहेगा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मुल्तान वॉज नेम्ड बाय द अरब्स एज, मुल्तान का नाम अरबों ने क्या रखा था? तो वो इन्होंने रखा था सिटी ऑफ गोल्ड। तो ये ऑथर, ये बुक है एक जवाहर अल बहूर, इसके ऑथर ने लिखा मुल्तान को ये हाउस ऑफ गोल्ड मेडिवल टाइम्स के अंदर।
और ये इब्न खुरदाबा जो है इन्होंने भी डिस्क्राइब किया अपनी बुक द बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स के अंदर मुल्तान को एज अ सिटी ऑफ गोल्ड। ठीक है, ड्यूरिंग द रूल ऑफ नवाब्स इन बंगाल द ट्रेजरी वॉज लोकेटेड एट, बंगाल में नवाबों के शासन के दौरान राजकोष कहाँ स्थित था, तो आपका राजकोष होता था मुर्शिदाबाद के अंदर। ठीक है, मुर्शिदाबाद कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है, और हुगली जो रिवर है जो कि गंजिस की गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है उसके ईस्टर्न बैंक पे ये लोकेटेड है मुर्शिदाबाद टाउन। हु कंस्ट्रक्टेड हुमायूज टूम्ब इन दिल्ली, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, तो दिल्ली में ये हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था आपके, देखिए गुलबदन बेगम इनकी सिस्टर थी लेकिन इन्होंने नहीं करवाया था, हुमायूं तो करवाने से रहा खुद का, ठीक है इन्होंने भी नहीं, हुमायूं ने नहीं कराया, अकबर ने भी नहीं करवाया था, करवाया था ये आपका हाजी बेगम ने। हाजी बेगम कौन थी, ये हुमायूं की फर्स्ट वाइफ थी, बेगा बेगम इनका नाम था या हाजी बेगम भी कह देते हैं तो, और इसको डिज़ाइन किया था मिरक मिर्ज़ा घियास ने, एक पर्शियन आर्किटेक्ट, और इन्हें बेगा बेगम ने ही चूज़ किया था। ठीक है, और इट वॉज द फर्स्ट गार्डन टूम्ब ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये निजामुद्दीन ईस्ट दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। विच सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड द प्रैक्टिसेस ऑफ सिजदा पैबोस एंड नवरोज इन द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने सिजदा पैबोस व तथा नवरोज की प्रथा शुरू की थी, तो ये सारी प्रथाएं ये जो थी ये इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड सिर्फ एक ही था, वो था आपका ग्यासुद्दीन बलबन, तो ये भाई बलबन ने ही स्टार्ट किया था ये सारा कुछ। बलबन ये नाइन्थ सुल्तान था स्लेव डायनेस्टी का, इसने सबसे मेन चीज़ आपको बलबन की ये ध्यान रखनी है कि इसने जो आपकी वो चालीसा थी जो नोबिलिटी का जो 40 का जो ग्रुप था उसकी इसने पावर काफ़ी कम कर दी थी और सुल्तान का जो औहदा है वो ऊंचा कर दिया था, ये ज़रूरी हो गया था क्योंकि वो नोबिलिटी बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा था क्राउन को। ठीक है, और इसकी ज़्यादा मिलिट्री अचीवमेंट्स नहीं है लेकिन फिर भी ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स कह सकते हैं आप इस दिल्ली सल्तनत का, बिटवीन ये इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के, तो ये नाम याद में आता है आपको बलबन का, बाकी कैकुबान वगैरह और के नाम आपको याद भी नहीं रहेंगे। हाउ मैनी टाइम्स शिवाजी प्लंडर्ड सूरत, शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था, तो शिवाजी ने सूरत को लूटा था 2 बार, और ये कब कब लूटा था, एक तो 1664 में एक 1670 के अंदर, तो ये सूरत को 2 बार लूटा था। सूरत के इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सिटी थी और बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस थी, तो इसको इन्होंने लूटा था कि इनको खजाने की ज़रूरत थी अपनी आर्मी मेंटेन करने के लिए, तो इन्होंने लूटा, और एक औरंगजेब को भी स्ट्रांग मैसेज देने के लिए इन्होंने सूरत को 2 बार लूटा था। ठीक है, ईयर्स भी आप याद रखेंगे 1664 एंड 1670, ये भी पूछे जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डिड अमरी कल्चर फ्लॉरिश, आमरी संस्कृति निम्न में से किस क्षेत्र में फली फूली थी, तो वो आपकी फली फूली थी सिंध के अंदर। ये अमरी कल्चर इसके ये सिंध और बलूचिस्तान प्रोविंसेस के अंदर ही ये फला फूला था 4th और 3rd century BC के अंदर, और इसकी जो टाइप साइट है वो है अमरी, सिंध के अंदर है जो कि लोकेशन। तो ये टाइप साइट क्या होती है कि जो किसी भी सिविलाइजेशन की जो एक आप मान लेना आइडियल साइट जिससे कि आप पूरे सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब कर सकें, वो आपकी टाइप साइट होती है, तो वो आपकी अमरी थी, तो उसके नाम पर ये नाम पड़ा हुआ है अमरी। तो ये अमरी कल्चर ये यहाँ पे सिंध के अंदर फ्लोरिश हुआ था। ठीक है, हु ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, दिल्ली के निम्न में से किस सुल्तान ने रक्त एवं लॉ की नीति का पालन किया था, वैसे तो ये ओरिजिनल पॉलिसी किसकी थी, बिस्मार्क की, जर्मन जो रूलर थे, अपने यहाँ पे किसने अपनाई, ये अपनाई थी बलबन ने, यासुद्दीन बलबन। ठीक है, बलबन के बारे में बता ही चुके हैं, नाइन्थ सुल्तान थे ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। इन्होंने किस लिए ये किया कि देखिए ये जो रीजन था ये गंगा यमुना दुआब, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की काफ़ी प्रॉब्लम्स हो चुकी थी, यहाँ पे क्या मेवाती जो थे ये दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में ये लोगों को सरेआम लूट रहे थे, तो फिर इन्होंने ये ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई और इसको फिर थोड़ा सा कम किया, ये फिर लूटपाट कम हुई इनकी इस पॉलिसी से। इन विच लैंग्वेज डिड बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्की यानी टर्किश जो लैंग्वेज है उसके अंदर, बाबरनामा ये ऑटोबायोग्राफी जिसको कि अपने तुज़ ए बाबरी भी कह सकते हैं, ये ओरिजिनली चगाती लैंग्वेज
जो कि नोन टू बाबर एज तुर्की, मतलब कि टर्किक भाषा, उसके अंदर लिखी थी। थोड़े बहुत कुछ एक छोटे मोटे वर्सेज आपको पर्शियन में भी मिल जाएंगे, लेकिन मेन लैंग्वेज इसकी टर्किक है, तो आपका आंसर टर्किक होएगा, तुर्की होएगा, पर्शियन नहीं होएगा। पर्शियन मत लगा देना, पर्शियन ऑप्शंस में था, आप लगा देते तो गलत हो जाता, ध्यान रखिएगा। मेन लैंग्वेज इसकी तुर्की ही है। हु वॉज द फर्स्ट विजयनगर रूलर टू रेस्ट द इंपॉर्टेंट फोर्ट ऑफ गोवा फ्रॉम बहमनीज? विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने गोवा का महत्वपूर्ण किला बहमनियों से छीन लिया था? ब्राह्मणों से नहीं है, ये बहमनी है, से छीन लिया था। देखिए, विजयनगर के नाम पे अपने सारे सारे ले लेते हैं यार। विजयनगर है, कृष्णदेव राय पे लगा दें, लेकिन वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्या करें। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हरिहर सेकंड। तो हरिहर सेकंड जो थे, इन्होंने ये रोकने में सफल भी रहे बहमनी वारंगल की ये कंबाइंड फोर्सेस को, और ये गोवा का ये जो कोंकण कोस्ट है, ये बहमनी से इन्होंने ये छीनने में ये सक्सेसफुल रहे, और ये काफी इंपॉर्टेंट ये कॉमर्शियल पोर्ट था, तो इससे काफी जो रिच रेवेन्यू और इनको ट्रेड में फिर इससे मिला भी था। ठीक है, मिर्जा असदुल्ला बेग खान, अ पोएट ऑफ ग्रेट रेप्यूट ड्यूरिंग 1857, इज नॉन टू पोस्टेरिटी एज। 1857 की अवधि का एक बेहद प्रतिष्ठित कवि मिर्जा असदुल्ला बेग खान भावी पीढ़ी में किस नाम से जाना गया? तो वो आपने जाना गया गालिब के नाम से, मिर्जा गालिब। तो मिर्जा गालिब जो थे, इनका असली नाम था मिर्जा असदुल्ला बेग खान। ये प्रोमिनेंट उर्दू और पर्शियन पोएट हुए, जो कि लास्ट ईयर ऑफ मुगल एम्पायर। तो इन्होंने पेन नेम्स कौन कौन से यूज लिए, एक तो गालिब लिया और दूसरा लिया असद। ठीक है, इनकी लाइफ टाइम में क्या, इन्होंने देखा कि मुगल एम्पायर का डेक्लाइन हुआ और ये डिस्प्लेस हुए बाय कॉलोनियल ब्रिटिश राज। ठीक है, तो इन्होंने अपने जो ये जो भी ये मेमोयर्स और लिखे हैं वर्क्स जो भी किए, इसके अंदर इनको नोट भी किया है इन्होंने। ठीक है, अपने वर्क्स के अंदर आपने ये इनकी शायद पोइट्री सुनी भी होगी, जैसे आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। इस तरह की इन्होंने पोइट्री लिखी, एंड ही इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट उर्दू पोइट। तो इनकी पोइट्री काफी प्रसिद्ध है, लेकिन आजकल के इंटरनेट पे कोई भी कुछ भी डाल देता है इनके नाम के चला के, तो वो उससे चीज से भी आप बचिएगा। ठीक है, हु बिल्ट पुराना किला? पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो पुराने किले का निर्माण आपके कराया था शेरशाह ने। ये पुराना किला, इसको शेरशाह ने करवाया था, कहाँ पे? इंद्रप्रस्थ के अंदर, जो कि आपकी मॉडर्न डे दिल्ली है। शेरशाह ने इसका काम, वैसे काम तो इसका थोड़ा बहुत तो हुमायूं के टाइम में भी स्टार्ट हो गया था थोड़ा बहुत, फिर शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया और शेरशाह ने इसमें मेजर काम करवाया, लेकिन शेरशाह की डेथ के टाइम तक काम इसका कंप्लीट नहीं हुआ, तो शेरशाह के बेटे इस्लाम शाह ने इसके अंदर काम कंप्लीट करवाया था। फिर ही एबोलिश्ड ऑल द टैक्सेस दैट वर नॉट सैंक्शंड बाय द शरिया। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु कलेक्टेड जजिया फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स एज अ सेपरेट टैक्स अपार्ट फ्रॉम लैंड रेवेन्यू। ही ऑर्डर्ड ऑल पेंटिंग्स विद ह्यूमन फिगर्स इरेज फ्रॉम हिज पैलेस। हिज नेम इज, उसने उन सभी करों को समाप्त कर दिया जिनकी शरिया में अनुमति नहीं है। वह पहला शासक था जिसने गैर मुसलमानों पर भू राजस्व के अतिरिक्त एक पृथक कर के रूप में जजिया लगाया। उसने आदेश दिया कि उसके महल से मानव छवि वाली सभी चित्र हटा दिए जाएं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका फिरोज शाह तुगलक। आपकी ये लाइन ही बहुत होनी चाहिए आपको सारा कुछ बताने में। ये जो है, कलेक्टेड जजिया फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स एज अ सेपरेट टैक्स, ये लाइन ही बहुत है आपको करेक्ट आंसर दिलवाने के लिए। बाकी चीज में आप जाइए ही मत, इस लाइन से ही आपको पता चल जाएगा फिरोज शाह तुगलक। हु वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ शाह शुजा एंड मुराद बख्श? तो शाह शुजा और मुराद बख्श का बड़ा भाई था दारा सिखो। दारा सिखो सबसे बड़ा भाई था किसका? ये शाहजहां के सभी बेटों में से सबसे बड़ा था। ये औरंगजेब का भी बड़ा भाई था, औरंगजेब तीसरा बेटा था। मुराद बख्श का तो ये बड़ा भाई था, लेकिन शाह शुजा का छोटा भाई था औरंगजेब। ठीक है, और दारा सिखो तो सबसे बड़ा था ही था। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रेप्यूटेड टू हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इन इंडिया वॉज। दिल्ली का वह सुल्तान जिसे भारत में नहरों के सबसे बड़े तंत्र का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है, तो वो कौन है? ये मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कई क्लासेस के अंदर, इसका तो आंसर आप सभी को आ ही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक।
इन हूज रेन डिड इब्न बतूता विजिट इंडिया, किसके शासनकाल में इब्न बतूता ने भारत का दौरा किया? तो इब्न बतूता ने भारत का दौरा किया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। इब्न बतूता एक मोरक्कन स्कॉलर था और एक वर्ल्ड ट्रैवलर था मेडिवल टाइम का, और इसने और कोई भी इंसान इतना ट्रैवल नहीं किया अपनी ज़िंदगी में जितना इब्न बतूता ने ट्रैवल किया। इब्न बतूता इंडिया 1334 के अराउंड आया था और उस टाइम दिल्ली सल्तनत पर राज था मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अराउंड 1334 के आया था, एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता पर 1334 के अराउंड आ गया था। हु लेड द मराठा फोर्सेज इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये आपका था सदाशिवराव वर्सेज अहमद शाह अब्दाली। ध्यान होगा, मराठा वर्सेज द अफगान्स, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 किस किस के बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर। दूसरा 1556 किस किस के बीच में हुआ? हेमू वर्सेस अकबर। और ये थर्ड अब किस किस के बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदाशिव राव, यानी कि मराठा एम्पायर। याद रखिएगा, महाराजा सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर हैड नॉट बिल्ड द ऑब्जर्वेटरी एट, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ पे वैधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? तो वो आपका करेक्ट आंसर है अलाहाबाद के अंदर। पांच जगहों पे कराया था, वो पांच जगह कौन कौन सी हैं? दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन और जयपुर। तो ये पांच जगह हैं जहाँ पे कि इन्होंने कराया था इसके एस्ट्रोनॉमिकल, ये ऑब्जर्वेटरीज का इन्होंने कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी जयपुर ही एक ऐसी है जो अभी तक ऑपरेशनल है वैसे। Which Sufi saint was contemporary to seven sultans but did not visit any of them? कौन सा सूफी संत सात सुल्तानों के समकालीन था लेकिन वह उनमें से किसी से नहीं मिला? तो वो आपका करेक्ट आंसर है शेख निजामुद्दीन चिश्ती या हजरत निजामुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया जिन्हें हम नाम से जानते हैं वो, जो और इनके सबसे फेमस शिष्य कौन हुए, इनके मोस्ट पॉपुलर डिसाइपल हुए अमीर खुसरो। उन्होंने भी सात सुल्तान देखे। अकाउंटिंग का पांच सुल्तानों का मिलता है लेकिन इन्होंने देखे सात सुल्तान थे अपने जीवन काल में अमीर खुसरो ने भी। और अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया के बीच में इतनी गहरी बॉन्ड थी कि जब निजामुद्दीन औलिया की डेथ होगी तो उनके कुछ टाइम कुछ महीनों बाद ही अमीर खुसरो की भी डेथ हो गई। तो ये इतनी मतलब इनके बीच में प्रेम था। Which monument is in pink color? कौन सा स्मारक गुलाबी रंग में है? तो देखिए ताजमहल तो होने से रहा, मोती महल भी नहीं है। अब मुमताज महल क्या, हवा महल है ये आपका। हवा महल जयपुर के अंदर है, मेरी होम स्टेट राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, वहाँ पे हवा महल है एंड इट्स इन पिंक कलर, हवा महल, ठीक है। हवा महल पैलेस ऑफ विंड जो कहते हैं जयपुर के अंदर है और रेड एंड पिंक कलर सैंडस्टोन के अंदर है। जयपुर को आपको ध्यान है पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसने बनवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह इन 1799। इसमें काफी सारे झरोखे झरोखे से खिड़कियां सी हैं तो इसको हवा महल कहा जाता है। विच लोधी रूलर वॉज ओरिजिनली नेम्ड एज निजाम खान, किस लोधी शासक का मूल नाम निजाम खान था? तो वो आपका था सिकंदर लोधी। हर कोई सिकंदर बनना चाहता है जैसे मैंने कल ही बताया था। सिकंदर लोधी ये सुल्तान था दिल्ली का बिटवीन 1489 टू 1517। ये बहलोल लोधी का सक्सेसर था। बहलोल लोधी कौन था? बहलोल लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो फाउंडर्स का भी आपको ध्यान होना चाहिए, किसने कौन सी की थी फाउंड, तो बहलोल लोधी ने की थी लोधी डायनेस्टी। द ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्ट बाय शेर शाह सूरी कनेक्ट्स, शेर शाह के द्वारा बनाई गई ग्रैंड ट्रंक रोड सड़क किस किस को जोड़ती है? तो वो आपको जोड़ती है लाहौर और ईस्ट बंगाल को। शेर शाह सूरी ने बनवाई थी ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये चित्तगोंग बांग्लादेश से स्टार्ट होती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल से होती हुई नॉर्दर्न इंडिया को क्रॉस करती हुई दिल्ली वगैरह अमृतसर और उसे पास होते हुए लाहौर पाकिस्तान में जाती है और काबुल तक पहुंचती है अफगानिस्तान में ग्रैंड ट्रंक रोड। देखिए कितनी लंबी रोड ये बनवाई थी उस टाइम में शेर शाह सूरी ने। ये बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था शेर शाह सूरी, ये मतलब अपन ने पढ़ भी चुके हैं शायद, ये क्वेश्चन आया भी था। द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम इंडिया वॉज बैंड बाय, भारत से गुलामों का निर्यात किसने प्रतिबंध लगा दिया था? तो वो था आपका फिरोज तुगलक।
विच अमंग द फॉलोइंग फॉरेन कंट्रीज वॉज द फर्स्ट वन टू ट्रेड विद इंडिया, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ व्यापार करने वाला पहला देश था, तो वो था आपका पोर्चुगल। ये आपके वास्को डेगामा आए थे 1498 के अंदर, आपको याद होगा ये, हाँ इसमें लिखा भी हुआ है पोर्चुगीज सेलर वास्को डेगामा आए थे 1498 के अंदर। ठीक है, पोर्चुगीज आ गए, इन्होंने क्या किया, अपने सेटअप किए ट्रेडिंग पोस्ट्स कहाँ पे, गोवा, दमन, दीव और बॉम्बे में। पोर्चुगीज के बाद सेकेंड नंबर पर आपके आए थे डच, उनके बाद आए ब्रिटिश और उनके बाद आए फ्रेंच। तो सब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखिए, पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कौन सबसे पहले आया, पोर्चुगीज, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर फ्रेंच, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। हु वॉज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेटअप, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी तब भारत का शासक कौन था, तो तब भारत का शासक आपका था ऑप्शन नंबर सी अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी अराउंड 1600 एडी के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी और अकबर का आपका चला था रेन 1556 टू 1605। अच्छा आपको पता अकबर की डेथ कैसे हुई थी, अकबर की डेथ हुई थी डायसेंट्री से, और डायसेंट्री से ही शिवाजी की डेथ हुई थी। हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर, निम्न में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की नींव रखी थी, तो किन्हों ने रखी थी, तो ये नींव रखी थी आपके गुरु रामदास, जो कि चौथे गुरु थे सिक्स के, ये कल भी मैंने आपको बताया ही था। तो ये लैंड किसने दी थी, लैंड दी थी अकबर ने, किन्हें दी थी, ये गुरु रामदास जो हैं उनकी पत्नी थी बीबी भानी, उनको दी थी। और अमृतसर को ओरिजिनली रामदासपुर कहते थे, गुरु रामदास की सिटी, रामदासपुर का लिटरल ट्रांसलेशन क्या हो गया, सिटी ऑफ गॉड्स सर्वेंट। और यहाँ पे इन्होंने इनोग्रेट कैसे किया था, इन्होंने ये होली टैंक अमृतसर का इन्होंने खोदा था पीस ऑफ लैंड पे, तो ऐसे इन्होंने इनोग्रेट किया था इस सिटी को गुरु रामदास ने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मुगल पेंटिंग्स, मुगल चित्रकला में निम्न में से किसे नहीं पाया जाता है, तो मुगल चित्रकला में आपसे अगर जो एक चीज नहीं पाई जाती है तो वो है इस्लामिक थीम्स। हाँ, इस्लामिक थीम्स नहीं मिलती हैं मुगल पेंटिंग्स के अंदर, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। तो ये जो थीम्स क्या क्या चीजें आपको, कौन कौन सी थीम्स इसके अंदर मिल जाती हैं, फिर आपके ये मुगल पेंटिंग्स के अंदर आपको मिलेंगी, एक तो बैटल्स के बारे में, किंवदंतियां हो गई, ये शिकार हो गया, वाइल्ड लाइफ होगी, जो शाही जो जो जिंदगी है उसका, और माइथोलॉजी हो गई, उसके बारे में मिलेगी। मुगल पेंटिंग से पर्टिकुलर स्टाइल अपनी है, जो साउथ एशियन जो पेंटिंग्स है उनकी एक पर्टिकुलर स्टाइल्स है, स्टाइल है एक मुगल पेंटिंग, ठीक है, लेकिन इसके अंदर इस्लामिक थीम्स आपको नहीं मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ तुगलक डायनेस्टी इशूड कॉपर कॉइन्स इंस्टेड ऑफ सिल्वर वंस, तुगलक वंश के निम्न में से किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी किए थे, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। ठीक है, तुगलक ने इशू किए, चांदी की कमी थी, लेकिन वो इतने ज़्यादा बढ़िया ये सिक्के नहीं थे क्वालिटी के अंदर, तो कोई भी इसकी नकल कर लेता था, तो काउंटरफिट करेंसी स्टार्ट होगी, इसकी वैल्यू रख दी सिल्वर के कॉइन के बराबर, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और स्कीम बहुत मैसिव फेलियर रही। Which one of the following contemporary sources depicts Humayun's passion for astronomy and astrology? निम्न में से कौन सा समकालीन स्रोत खगोल विज्ञान तथा ज्योतिष शास्त्र के लिए हुमायूं के जुनून का वर्णन करता है? तो देखिए contemporary source पूछ रहा है ना, contemporary source हुमायूं नामा तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, यही तो हुमायूं की डेथ के बाद लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा अकबर के कहने पे। तो आपका करेक्ट आंसर है कानून ए हुमायूनी, ये कानून ने हुमायूनी को लिखा था खवंडमीर ने, और इसके अंदर जो हुमायूं ने जो भी रूल्स और ऑर्डिनेंसेस जो पास किए वो, और कुछ एक जो बिल्डिंग्स इरेक्ट कराई हुमायूं के ऑर्डर से हुई, उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो आंसर है आपका कानून ने हुमायूनी। ठीक है, विच डायनेस्टी वॉज स्टार्टेड बाय खिज्र खान, खिज्र खान के द्वारा किस वंश की शुरुआत की गई थी, तो खिज्र खान के द्वारा शुरुआत की गई थी सैयद वंश की। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसे याद रखना है, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है, गुलाम का कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक का ग्यासुद्दीन तुगलक, सैयद का आपके खिज्र खान, और लोदी का बहलोल लोदी, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है,
खिजर खान ने फाउंड किया था कब, 1414 के अंदर। तो ये डायनेस्टी कब फाउंड हुई थी कि जो तैमूर रंग का जब इन्वेजन हुआ था उसके बाद तुगलक डायनेस्टी का जो फॉल हुआ तब ये फाउंड की गई थी। कौन सी डायनेस्टी? खिजर डायनेस्टी। किसके द्वारा? ओ सॉरी, सैयद डायनेस्टी। किसके द्वारा? खिजर खान के द्वारा। ठीक है। हु इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था आलम खान ने। आलम खान और दौलत खान, इन दोनों ने ही इसे इनवाइट किया था, क्योंकि जो ये इब्राहिम लोदी थे इसके साथ इन लोगों के डिफरेंसेस हो गए थे, और आलम खान इब्राहिम लोदी का खुद ही अंकल ही था। इसने भी इसके साथ कॉन्स्पायर करके दौलत खान के साथ बाबर को बुलाया यहाँ पे इंडिया के अंदर कि आप आइए और इसको डिथ्रोन कीजिए। द सिल्वर कॉइन टंका वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय? चांदी का सिक्का टंका किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपका इल्तुतमिश के द्वारा। चांदी का टंका और कॉपर का जीतल, ये दोनों ही इल्तुतमिश ने चलाए थे, और इसने इल्तुतमिश ने इंडिया का पहला प्योर अरेबिक कॉइन भी चलाया था। टंका कब तक ये चलन में रहा? जब तक कि ये फिर ये शेर शाह सूरी का रुपया नहीं आ गया तब तक ये चलन में रहा टंका, और उसके बाद ये अकबर ने भी ये रुपया और चलाया, और बाद में आज प्रेजेंट डे रुपी अपनी करेंसी चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ क्रॉनिकलर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत? निम्न में से कौन सा सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है? देखिए, अमीर खुसरो तो आंसर हो ही नहीं सकता, इन्होंने तो पांच सुल्तान का लिखा है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है मलिक काफूर। ये आपका ध्यान है, ही वॉज एन इनंट जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये मैं 2-3 बार आपको पहले ही बता चुका हूँ, अब तक तो आपको शायद याद हो भी गया होगा। तो बाकी दो ऑप्शंस का आपने देख लेते हैं। तो मिनाज उस सुराज, ये प्रिंसिपल हिस्टोरियन थे स्लेव डायनेस्टी के, और इन्होंने लिखी तबाकत ए नसीरी नसीरुद्दीन मोहम्मद के लिए, जो कि आई गेस 8th रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के, नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो इनके जो ऊपर जो बायोग्राफी लिखी तबाकत ए नसीरी। और जयुद्दीन बरानी जो थे, ये मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर, ये दिल्ली सल्तनत के थे ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के रेन में, और इन्होंने कंपोज कौन सी बुक की थी? तरीके फिरोज शाही। तो अगर कल को क्वेश्चन आए तरीके फिरोज शाही किसने लिखी, तो आपका आंसर आएगा जयुद्दीन बरानी। ठीक है, और तबाकत ए नसीरी किसने लिखी? मिनाज उस सिराज ने। ये दोनों आप बुक्स का भी आप याद रख लीजिए। वॉट इज गोल गुम्बद? गोल गुम्बद क्या है? तो गोल गुम्बद है आपके मोहम्मद आदिल शाह के, जो ये मकबरा है उसको कहते हैं हम गोल गुम्बद। ये कहाँ पे स्थित है? ये बीजापुर कर्नाटक के अंदर है, और इसके 1656 के अंदर ये कंप्लीट हुआ था। आर्किटेक्ट था आपके याकूत। ठीक है, ये डेकन आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, ये भी आप याद रखिएगा। डेकन आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल क्या है? ये मुस्लिम ऑफ मोहम्मद अली शाह, विच इज गोल गुम्बज। वट इज नॉट ट्रू अबाउट द सभाज ड्यूरिंग द विजयनगर पीरियड? विजयनगर काल के दौरान सभाओं के बारे में क्या सही नहीं है? द सभाज एडमिनिस्टर्ड ट्रस्ट एंड चैरिटीज, सभाएं न्यास तथा दान पुण्य को प्रशासित करती थी। द सभाज वर फ्री फ्रॉम रॉयल सुपरविजन, सभाएं शाही पर्यवेक्षण से मुक्त थी। द सभाज कुड कन्फिस्केट लैंड ऑफ द गिल्टी, सभाएं दोषी की भूमि को जब्त कर सकती थी। ये कुड को जब तो नहीं कैसे आ गया? द सभाज एक्टेड एज टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज फॉर द इंपीरियल गवर्नमेंट, सभाएं शाही सरकार के लिए कर संग्रह की संस्थान के रूप में कार्य करती थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, द सभाज वर फ्री फ्रॉम रॉयल सुपरविजन। ये आपका सही नहीं है, ये रॉयल सुपरविजन से फ्री नहीं थी सभाएं। बहादुर शाह फर्स्ट वॉज बॉर्न इन द ईयर, बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ था 1643 के अंदर, 1643 के अंदर। तो ये बहादुर शाह फर्स्ट 1643 में बर्थ हुआ है, और ये 6th मुगल एम्परर औरंगजेब की जो सेकंड वाइफ थी नवाबाई, उनसे औरंगजेब का जो बेटा हुआ था वो था बहादुर शाह फर्स्ट, एंड ही सक्सीडेड औरंगजेब। ये 7th मुगल एम्परर बना एंड रूल्ड बिटवीन 1707 अंटिल हिज डेथ 1712। ये बूढ़ा बादशाह भी इसको कहते हैं, क्योंकि औरंगजेब 88 की एज में औरंगजेब की डेथ हुई, तो मतलब कि इतना लंबा रेन तो औरंगजेब का चल गया था। तो इसके पास आते आते ही वॉज आई गेस इन हिज 60s एट द टाइम ऑफ हिज कोरोनेशन। विच मुगल रूलर ड्रोव अवे द पोर्चुगीज फ्रॉम हुगली? पुर्तगालियों को हुगली से किस मुगल शासक ने खदेड़ा था? तो वो आपका था शाहजहां।
शाहजहां ये चाहता था कि जो पोर्चुगीज है इनके एक्शंस को ये रेस्ट्रिक्ट करे, तो ये 1632 के अंदर इनके जो जनरल थे कासिम खान, उन्होंने आर्मी भेजी जो इनके कासिम खान के बेटे इनायतुल्ला खान ने लीड की थी, और मुगल्स ने फिर हुगली का जो पोजेशन फाइनली ले लिया 3 महीनों के लिए। इन्होंने लगभग 10,000 जो लोगों को वहाँ पे पोर्चुगीज़ को मारा, और उन्हें बाकियों को फिर वहाँ से जो टाउन है उससे खदेड़ दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलबरूनीज अकाउंट ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन सा अलबरूनी के द्वारा लिखित भारत का वृतांत है? तो वो है आपका किताब उल हिंद। अलबरूनी आपको ध्यान है किसके साथ आया था, महमूद ऑफ गजनवी इन 1017 AD। ठीक है, तो इस बुक के अंदर इन्होंने काफ़ी अपना डिटेल अकाउंट अपने इंडिया की जो डॉक्यूमेंट की है, सिविलियन और स्कॉलरी एरियाज हिंदू लाइफ के इसके अंदर, किताब तारीख अल हिंद के अंदर। तो ये आपका आता है एक तो कि किताब तारीख अल हिंद किसने लिखी, और दूसरा आता है अल बिरूनी जो है ये किसके साथ इंडिया आए, तो वो आए थे आपके महमूद ऑफ गजनवी के साथ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज द हाइएस्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके शासनकाल में भू राजस्व की दर सबसे अधिक थी? तो भू राजस्व की दर सबसे अधिक आपकी थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम, इसने काफ़ी टैक्सेशन लगाया हुआ था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम सबसे हार्श लैंड रेवेन्यू सिस्टम रहा था। इसके लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स के अंदर दो नोटेबल हैं, एक तो छोटे जो इकतास थे इनका एबॉलिश किया, और ये लैंड मेजरमेंट लेके आया जिसे कहा गया पैमाइश, पैमेश सॉरी पैमेश। अबुल फजल वॉज द सन ऑफ विच सूफी सेंट, अबुल फजल किस सूफी संत का पुत्र था? तो अबुल फजल था शेख मुबारक के पुत्र। ठीक है, अबुल फजल थे शेख मुबारक नागौरी के पुत्र। अबुल फजल ये आपको मुगल एम्परर अकबर है उनके वजीर थे, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? अकबरनामा, ये आपको याद होगा मेरे ख्याल से, अकबरनामा इन्होंने लिखी थी। इनके नवरत्नों में से एक थे, और ये फैजी जो थे उनके भाई थे, ये भी आपको याद रखना है। फैजी भी और अबुल फजल दोनों भाई थे, ये दोनों ही बेटे थे शेख मुबारक के। ठीक है, विच किंग ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वॉज एन एक्सपर्ट कैलीग्राफिस्ट एंड स्पेंट हिज लेजर टाइम कॉपिंग द कुरान, गुलाम वंश का कौन सा विशेषज्ञ एक कौन सा शासक एक विशेषज्ञ सुलेखकार था तथा अपनी खाली समय कुरान के प्रतिलिपिकरण में बिताता था? तो कैलीग्राफिस्ट, कैली मतलब ब्यूटीफुल होता है, ठीक है, ग्राफिस्ट मतलब वो लिखना, हैंड राइटिंग होती है ग्राफिन से, तो कैलीग्राफिस्ट मतलब आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जो ऐसे गोल गोल सा बना के लिखते हैं ना वो जलेबी सी, हाँ वही जलेबी टाइप का जो होता है वही कैलीग्राफी होती है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो इसको आप अगर देखें रूट वर्ड्स इसके क्या होते हैं, एक तो कैली जो कि ब्यूटीफुल, और एक ग्राफी मतलब कि हैंड राइटिंग। ठीक है, और अगर आपने अगली हैंड राइटिंग कहें या जो हैंड राइटिंग में या लिखने में जो मिस्टेक ज़्यादा करता है उसे क्या कहेंगे? फिर कैकोग्राफी, कैली ब्यूटीफुल होता है, कैको अगली होता है। ठीक है, तो ये आपका था आंसर इस क्वेश्चन का, नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन जैसे मैंने आपको बताया था 8th सुल्तान था, एंड ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ इल्तुतमिश। टोडरमल द ब्रिलियंट रेवेन्यू ऑफिसर सर्व्ड अंडर, प्रतिभाशाली राजस्व अधिकारी टोडरमल किसकी सेवा में थे? तो देखिए अकबर के तो थे ही थे, लेकिन अकबर से पहले उन्होंने शेरशाह के कोर्ट के अंदर काम किया हुआ था। ठीक है, शेर शाह जो सूरी है उनके कोर्ट के अंदर उन्होंने काम किया था। ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम अ हम्बल पोजिशन ऑफ अ राइटर, लेकिन फिर ये स्लोली ये शेर शाह सूरी ने के सामने ये मतलब ये रैंक्स में ऊंचे उठे। कब उठे? जब शेर शाह सूरी ने इनको चार्ज दिया एक नया फोर्ट बनवाने का रोहतास पंजाब के अंदर, तो तब से फिर ये धीरे धीरे रैंक्स में ऊपर चढ़ते गए, और बाद में फिर चीफ रेवेन्यू ऑफिसर की तरह भी इन्होंने काम किया। हु फाउंडेड द सोवरेन किंगडम ऑफ अवध, अवध के संप्रभु राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो आपकी की थी सादत खान बुरहान उल मुल्क ने, ऑप्शन नंबर बी। तो सादत खान बुरहान मुल्क जो है इसने ये अवध का नवाब बनाया गया 1722 के अंदर, और इन्होंने अपना कोर्ट एस्टेब्लिश कर लिया फैजाबाद में लखनऊ के पास में, और जैसे ही मुगल एम्पायर वीक होने लगा तो इन्होंने इसकी एडवांटेज उठाई और अवध के अंदर ये फाउंडेशन कर दिए, ये ऑटोनोमस जो है अवध जो एम्पायर है उसकी। पंडित राज जगन्नाथ वॉज द पोएट लॉरिएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, पंडित राज जगन्नाथ निम्न में से किस शासक के दरबार में एक विद्वान कवि थे? तो वो थे आपके शाहजहां के दरबार के अंदर।
तो ये पंडित जगन्नाथ जो थे, इन्हें ये पंडित राज की जो ये उपाधि जो ये दी थी, ये भी शाहजहां ने ही दी थी, और इनके कोर्ट में ही, शाहजहां के कोर्ट में ही इन्हें पैट्रोनेज मिली थी। ठीक है, जहांगीर और शाहजहां दोनों के कोर्ट में रहे, पर जहांगीर तो जैसे मैंने देखा ऑप्शन में था ही नहीं, तो ऑप्शन ऐसा ही देता है वो कि आप कंफ्यूज ना होए, वरना जहांगीर और शाहजहां देता तो दो ऑप्शन करेक्ट हो जाते, तो प्रॉब्लम हो जाती। तो या तो जहांगीर आता या शाहजहां आता, शाहजहां दे रखा था, शाहजहां मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो गया और अपन ने चूज कर लिया। तो वो अगर अगर क्वेश्चन ये भी बने कि आपकी कि उपाधि ये टाइटल किसने दिया था पंडित राज का, तो वो आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट वॉज द रीजन फॉर सिराजुद्दौला टू लूज हिज मनसब, सिराजुद्दौला के द्वारा उसके मनसब को खोने का कारण क्या था, तो वो था आपके हिज एनिमीज कंस्पायर्ड अगेंस्ट हिम एट होम, उसके दुश्मनों ने उसके घर के लोगों ने ही, मतलब कि जो थे इसके घर में ही इसके दुश्मन पैदा हो गए थे, वहीं पे इस पर ही कॉन्स्पिरेसी करने लग गए थे। आपको शायद ये मैंने बताया भी था, वो जो घसीटी बेगम का जो क्वेश्चन आया था, तो घसीटी बेगम ने घसीट दिया बेचारे को। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ट्राइड टू प्रोहिबिट सती, निन में से किस सुल्तान ने सती पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, तो वो आपका है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो सबसे अर्ली अटेम्प्ट ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था सती को प्रोहिबिट करने का, इसके 14 सेंचुरी में की, और हिंदूज के अंदर ये काफ़ी सोशल रिफॉर्म्स और लाने की कोशिश की थी इसने, जैसे सती को एबॉलिश करने और की, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अपने कब हुआ था, किसने एबॉलिश किया था, फाइनली ये अपना मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक हो जाता है। ठीक है, आज के 50 क्वेश्चंस अपने यहीं पे ख़त्म होते हैं। आई होप आज की क्लास में भी आपको मज़ा आया होगा एज यूजुअल। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।